आप अगर चेन्नई से अगर कन्याकुमारी जाते हैं तो इसी रूट में होकर ताम्बरम होकर जाना पड़ेगा और 10 रुपये का टिकट है भाई। ये रहा सेंट्रल रेलवे स्टेशन। आज की यात्रा भारतीय रेल के कोई से भी एक्सप्रेस ट्रेन में नहीं होने वाली है, क्योंकि आज की यात्रा होगी भारतीय रेल की कम पैसों से दूर ले जाने वाली लोकल ट्रेन की। वैसे तो ईएमयू लोकल ट्रेन दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई की जान है, लेकिन आज हम लोग करेंगे इसी 4 जानों में से एक जान में, जो कि है चेन्नई ईएमयू लोकल ट्रेन में। वैसे तो ये ईएमयू लोकल ट्रेन चारों महानगरी में सुबह के 4 बजे से रात के 12 बजे तक अपनी सर्विस देती रहती है, तो आज हम लोग सुबह के 4 बजे वाले यानी कि सुबह की फर्स्ट ट्रेन में यात्रा करेंगे ताम्बरम से चेन्नई सेंट्रल तक। वैसे तो ताम्बरम से चेन्नई जाने के लिए मैं बस में भी जा सकता हूँ, जिसका किराया लगभग 100 से 150 रुपये के आसपास है, लेकिन मैं ताम्बरम से चेन्नई सेंट्रल मात्र 10 रुपये में जाना चाहता हूँ और मैं जाऊँगा। और आज की सफ़र की शुरुआत होती है ताम्बरम रेलवे स्टेशन के डाइनिंग रूम में। ये जो आप रिटायरिंग रूम देख रहे हो, इसकी कीमत मात्र 70 रुपये है, और आज हम लोग ताम्बरम से चेन्नई सेंट्रल तक का यात्रा करेंगे मात्र 10 रुपये में। तो देखना पूरी वीडियो, कैसे कैसे कौन कौन सा रेलवे स्टेशन आता है मैं सब दिखाऊंगा। अगर आप रेल फैन हो तो भाई एक लाइक तो बनता ही है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज की जर्नी की शुरुआत मैं कर रहा हूँ ताम्बरम रेलवे स्टेशन के रिटायरिंग रूम से। और ये रिटायरिंग रूम मैंने कैसे लिया, कितने का है और इसका बाथरूम है तो इंटीरियर कैसा है, वो आपको इसके पहले वाला वीडियो जो ताम्बरम रेलवे स्टेशन रिटायरिंग रूम बोल के जो वीडियो है उसमें मिल जाएगा। और आज की जर्नी हम करेंगे चेन्नई लोकल ट्रेन में। मैं रेडी हो चुका हूँ, अब हम मैं जाऊँगा चेन्नई सेंट्रल यहाँ से ताम्बरम से। चलिए रेलवे स्टेशन में चलते हैं, क्योंकि अभी मैं हूँ रिटायरिंग रूम में। ये रहा हमारा लगेज और चलो इसको लॉक करते हैं, फिर आपसे टिकट काउंटर पे मिलेंगे। इंटर करते ही यहाँ सामने मिलते हैं अंकल, उनके पास चाबी देंगे हम लोग। भैया तो सो रहे थे, मैंने ज़्यादा ही डिस्टर्ब कर दिया उनको। चलो जाइए ना रूम लेना, हाँ मिल जाएगा, आप जाइए ना। और आज हम करेंगे चेन्नई लोकल ट्रेन की जर्नी, आपको भी मैं कराऊंगा, मैं पहले कर चुका हूँ लेकिन मैं आपको कराऊंगा। और अभी बज रहे हैं सुबह के 3:30, ठीक है सुबह के 3:30 बज रहे हैं। देख लो भाई पूरा आदमी सो रहे हैं, किसी को डिस्टर्ब भी ना करते हुए चलेंगे। मेन बिल्डिंग ताम्बरम का, आप जैसे अंदर आते हो ना, ये है मेन एंट्रेंस, यहाँ से अंदर जैसे आते हो यहाँ राइट साइड में है टिकट काउंटर। ये मैंने ले ली है चेन्नई जाने के लिए टिकट। 3:38 ताम्बरम रेलवे स्टेशन पूरा सुनसान है, डरने वाली बात नहीं है, सब जाएंगे। ये मेन एंट्रेंस, यहाँ से आप सीधा आओगे ना तो ये इधर ऊपर जाके ये और भी आपको हर एक रेलवे स्टेशन के मतलब प्लेटफॉर्म पे आपको पहुँचाएगी। फ़िलहाल मुझे पता नहीं है कौन से रेलवे प्लेटफॉर्म पे आएगी, अंदर चलते हैं। कल ट्रेन खड़ी है दो, लेकिन मुझे पता नहीं किस में जाना है, 2-3 सारी खड़ी हैं, सब लोग उसी पे जा रहे हैं, मतलब वहीं वाला हो सकता है। कर रहा हूँ अनाउंसमेंट, चलिए 4 नंबर बोला है, हम लोग 4 नंबर पे जाते हैं। 3:55 में यहाँ से ट्रेन खुलती है 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे। ये 3 और 4 इधर ही है, किसी पे जाएंगे। और ये है आज की हमारी लोकल ट्रेन जिस पे हम यात्रा करेंगे आज, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, 3:55 पे टाइम है। चलो अंदर चलते हैं अब। ताम्बरम से ना चेन्नई सेंट्रल जाने के लिए मात्र 10 रुपये लगते हैं, और कम से कम 50 मिनट का टाइम लगता है यहाँ से चेन्नई सेंट्रल मतलब चेन्नई पार्क या चेन्नई सेंट्रल आप कुछ भी कह लो वहाँ पहुँचने में।
और रात का वक्त है, फिर भी देखो एक दो पैसेंजर तो अवेलेबल है इसी ट्रेन में। ठीक है, मैंने अपना लगेज रख दिया। सुबह का टाइम है, जर्नी में मज़ा तो आएगा। सारे स्टेशनों का कवर करूँगा, देखते हैं कौन कौन सा स्टेशन आता है। बैग 9 के साथ गुड्स ट्रेन। आपको बता दूं, ये जो रूट है ये ओनली फॉर लोकल ट्रेन के लिए नहीं है। आप अगर चेन्नई से अगर कन्याकुमारी जाते हैं तो इसी रूट में होकर ताम्बरम होकर जाना पड़ेगा। अगर आप चेन्नई से अगर टीबीसी यानी तिरुवनंतपुरम अगर जाते हो इसी रूट में जाना पड़ेगा। आप कन्याकुमारी जाते हो इसी रूट में जाना पड़ेगा। रामेश्वरम जाते हो इसी रूट में जाना पड़ेगा। आपको मतलब इधर किसी भी तरफ जाओ, साउथ में तमिलनाडु के अगर आप आखिरी छोर में कहीं भी जाओ तो आपको इसी तरफ होकर जाना पड़ेगा। टाइम एक ट्रेन आ रही है, देखते हैं कौन सा ट्रेन है। लगता तो है कोई एक्सप्रेस ट्रेन है। शायद लोकल है, एक्सप्रेस एक्सप्रेस। जैसा कि मैंने बताया इस रूट में एक्सप्रेस ट्रेनें भी चलती हैं, देख लो। तांजावुर, कोल्लम तांजावुर केरला से आ रही है। ताम्बरम रेलवे स्टेशन में ना वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी ट्रेनों का हॉल्ट रहता है, देख लो भाई आप लोग। क्योंकि चेन्नई सेंट्रल और चेन्नई एगमोर के वक्त ताम्बरम ही सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, उसके बाद है चेंगलपट्टू। ताम्बरम कितना बड़ा रेलवे स्टेशन हो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और बहुत सारी ट्रेन टर्मिनेट भी होती है। देखो हॉल्ट है इस ट्रेन का। और हम लोग ताम्बरम से चेन्नई सेंट्रल तक 26 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे मात्र 40 मिनट में। यहाँ से चेन्नई सेंट्रल जाने में 40 मिनट लगता है और 10 रुपये का टिकट है भाई। मज़ा तो है, मतलब इतना दूर के लिए भी 10 रुपये टिकट। बस यही है इसमें कमी कि भाई रुक रुक के जाती है, मतलब हर एक अब लोकल ट्रेन तो हर एक ट्रेन उतर मतलब हर एक प्लेटफॉर्म पर रुक रुक के जाती है। लो जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। अब ताम्बरम रेलवे स्टेशन से अब हमारी ट्रेन निकल चुकी है, धीरे धीरे निकाल रही है। यहाँ से स्लो कर दिया गया। यहाँ देखो एक और लोकल खड़ी है, वो भी खाली है, मतलब कुछ ही देर में इसको भी निकाल दिया जाएगा। चेन्नई में एक ये है कि भाई हर 10-15 मिनट में एक एक ट्रेन आपको मिल जाता है, ये खासियत है चेन्नई। वहाँ दो दो लोकल खड़ी है और भी खड़ी होती ताम्बरम। इधर वाले जितने भी प्लेटफॉर्म आपको दिख रहे हैं ना, 5, 6, 7, 8, ये सारे प्लेटफॉर्म एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए हैं। ये सारे प्लेटफॉर्म आपको एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए मिलेगी और वहाँ जो 1, 2, 3, 4 हैं वो पूरी लोकल ट्रेन के लिए। देख लो ना, वहाँ तक ख़त्म हो गया रेलवे प्लेटफॉर्म, लेकिन यहाँ का अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। कारण वही है, एक्सप्रेस ट्रेन। अब लोकल ट्रेन की क्या है, लंबाई थोड़ी कम रहती है, लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन की लंबाई तो बहुत ज़्यादा रहती है ना, इसीलिए। लो अब बढ़ाया स्पीड अपना।
और यहाँ देखो, देखते ही देखते प्लेटफॉर्म भी आ गया, कोई स्टेशन है वो भी आ गया। 4-3 हो रहे हैं यहाँ पे आते आते। पब्लिक देखो यार, मतलब एक दो पब्लिक ही दिखेगा आपको। और सिग्नल ऑलरेडी ग्रीन होकर पड़ा है, देख लो। मतलब लोकल ट्रेन है ना इसको, अब देख लो, आप खुद देख लेना कितना टाइम रुकेगी यहाँ से। बस इतने टाइम रुकेगी, अब देखो हॉर्न मारता है कैसे। मारना, अरे मार तो सही। हाँ देख लिया, हॉर्न ऐसे मारता है, इतने टाइम ही रुकती है ट्रेन यहाँ। अब मैं हर स्टेशन पर नहीं बताऊँगा, क्योंकि भाई हर स्टेशन में बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देख लो भाई, अभी भी स्टेशन क्रॉस नहीं हुआ है, और स्पीड देख लो। ये ताम्बरम सेनोटोरियम की रेलवे स्टेशन है। और देखते ही देखते एक और रेलवे स्टेशन आ गए हम लोग। ये है क्रोमपेट रेलवे स्टेशन। अब इंग्लिश में तो क्रोमपेट है, पर तमिल में कुछ और है, मैंने आते हुए सुना था कुछ और बोलते हैं। यहाँ तो अनाउंसमेंट नहीं हो रहा ट्रेन में, पर है क्रोमपेट। कुछ क्रोम ब्राउज़र टाइप का लग रहा है। मतलब यहाँ से भी रवाना होगा ये ट्रेन अपनी। 4:07 हो रहा है अभी, 10 मिनट हो गए अभी ट्रेन में। रेलवे स्टेशन है पल्लवरम। अबे कर्व देख लो यार, लोकल ट्रेन की कर्व। पल्लवरम यहाँ पहाड़ में भी आदमी रहता है, देख लो। वो देखो वहाँ पहाड़ के अंदर घर है, लाइट जल रही है। यहाँ भी देखो एकदम पहाड़ के ऊपर घर है, पूरा घर देख लो यार। मंदिर भी है, घर भी है, सब कुछ है। और रेलवे स्टेशन आ गया त्रिशूलम। चार बज के 12 मिनट हो चुके हैं त्रिशूलम में। यहाँ से भी रवाना हो गई, आती है 2-30 सेकंड रुकती है, फिर निकल पड़ती है। रेलवे स्टेशन मीनाबक्कम। यहाँ से भी रवाना। स्पीड बस देख लो यार कि कैसे स्पीड पकड़ लेते हैं कुछ ही सेकंड में। लोकल ट्रेन की यही तो बात है,
दिखाऊंगा ना कितनी देर में दूसरा रेलवे स्टेशन आता है एक क्रॉस करने के बाद ना। काला हुआ था अंकल, कुछ नहीं कुछ काला हुआ था। यहाँ तो घड़ी नहीं है, घड़ी होता तो पता चलता। यहाँ पे कोई डिजिटल वॉच नहीं, वरना मैं आपको दिखा के बताता कितनी देर में पहुँचे। देखते हैं इसका सेकंड रेलवे स्टेशन में दिखता है कि नहीं। हम लोग 4:15 पे निकले थे और 4:15 के बाद कितने 15 पे मतलब कितने टाइम में हम लोग दोनों रेलवे स्टेशन को क्रॉस किए। ये एक्सप्रेस वाली है शायद, हाँ ये एक्सप्रेस वाली मतलब ये है स्टेशन। पर यहाँ लाइट वाइट कुछ भी नहीं। सामने से एक और लोकल ट्रेन आ रही है चेंगलपट्टू। ऊपर से मेट्रो चेन्नई मेट्रो, सैदापेट। ये फुट ओवर ब्रिज है यार, फुट ओवर ब्रिज बना रखा है, आने जाने के लिए परेशानी मत होए बस। मंबलम देखो वहाँ से वेट कर रहे हैं ताम्बरम तरफ जाने के लिए ट्रेन का, मतलब अभी एक और लोकल ट्रेन पास होने वाली है। देखो एक चीज़ देखो, यहाँ भी प्लेटफॉर्म है और वहाँ भी प्लेटफॉर्म है। ऐसा हर स्टेशन में नहीं है, किसी किसी में दोनों तरफ प्लेटफॉर्म है ताकि उतरने और चढ़ने में आसानी हो, जो कि अच्छी बात है। अब हम लोग चेन्नई सिटी में ही हैं, मतलब बिल्कुल चेन्नई में आ चुके हैं, क्योंकि चारों तरफ आप देखोगे ना तो बस आपको घर ही घर दिखेंगे। अब वहाँ पर शायद किसी चीज़ का काम चल रहा है, इस चीज़ का कमेंट में बताना।
अब हम लोग पहुँचेंगे चेन्नई एगमोर। बस अब इसी के बाद उतरना है। और चेन्नई एगमोर है ना, मतलब चेन्नई सेंट्रल जैसा ही है, मतलब उससे भी थोड़ा कम है। मतलब है यहाँ से बहुत सारी ट्रेन ओरिजिनेट होती हैं और बहुत सारी ट्रेन ओरिजिनेट मतलब टर्मिनेट भी होती है। देख लो भाई यहाँ भीड़ ये पूरी भीड़ जाने वाली है चेन्नई पार्क, जो कि इसका अगला स्टेशन जहाँ हम भी उतरेंगे। तो चेन्नई एगमोर में दोनों तरफ प्लेटफॉर्म है और यहीं से मैंने बहुत सारे ट्रेन को ओरिजिनेट किया। 2-3 ट्रेनें शायद थी, कन्याकुमारी वाली थी और रामेश्वर वाली भी थी शायद। चेन्नई पार्क यहीं पे हमको उतरना है। चलो यहाँ से भी रवाना हो गई हमारी ट्रेन और लगभग लगभग पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है। देख लो पूरी खाली हो चुकी है लगभग लगभग। हमारी लोकल ट्रेन यहाँ मुझे उतार के निकल गई है अपने डेस्टिनेशन, जो कि है चेन्नई बीच। अगर आप इस ट्रेन में जाते हो तो चेन्नई बीच आप जा सकते हो अगर आपको बीच घूमना है तो, पर मैं यहाँ उतर गया हूँ चेन्नई पार्क में। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से ना चेन्नई सेंट्रल का जो रेलवे स्टेशन वो दिखता है। और देख लो भाई भीड़ देख लो, ये पूरी चेन्नई सेंट्रल जाने वाली भीड़ है। देखो ये है चेन्नई पार्क रेलवे स्टेशन और इसके सामने से ये नीचे होके निकल जाएगी। वो उधर देखो वो है सेंट्रल रेलवे स्टेशन, दिख रहा है आपको? ये रहा सेंट्रल रेलवे स्टेशन चेन्नई सेंट्रल और ये है चेन्नई पार्क। जाना एकदम आसान है, चेन्नई पार्क के सामने से ही ये आपको सबवे मिल जाएगा। ये सबवे होते हुए आप नीचे जाइए, फिर वहाँ आपको डायरेक्ट पहुँचाएगी चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। चलिए ये वीडियो यहीं तक था, इसके आगे का वीडियो आपको कुछ ही दिनों में चैनल पर मिल जाएगा। तो कुछ ही दिनों में आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप देखना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। चलिए अब मैं सबवे के अंदर जाता हूँ और वहाँ से उतर के वहाँ सामने किधर से भैया? अच्छा दूसरे वाला, अच्छा 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 ये वाला मेट्रो वाला है, अच्छा 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 थैंक यू। मतलब दोनों एक ही साथ बने हैं तो इसलिए मैं कन्फ्यूजन हो गया। पहला वाला जो है वो है मेट्रो वाला, सेकंड वाला जो है वो है चेन्नई सेंट्रल वाला। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट जर्नी में, वो भी कुछ ही दिनों में। एकदम खास ये रहा वो सबवे और वो देखो चेन्नई सेंट्रल, दिख रहा है आपको? हाँ वही है चेन्नई सेंट्रल। चलिए बाय टाटा। तो चलिए हमारी 10 रुपये वाली यात्रा ख़त्म होती यहीं पे और इसके बाद का जो वीडियो है वो है चेन्नई राजधानी वाली, जो कि मैंने पहले ही अपलोड कर दी थी। ये मैंने बाद में पोल डालने के बाद ही मैंने अपलोड किया है, जो कि आप देख सकते हैं मैंने पोल डाला तो मेरे वैसे सब्सक्राइबर तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन मात्र 4 से 5 लोगों ने ही मेरे पोल को सपोर्ट किया, इसलिए मैंने इस वीडियो को पहले छोड़ा। तो चलते हैं फिर, जय श्री कृष्ण।